ये बता रहे हैं। वीक एसिड के लिए हम क्या क्या करते हैं? E वाई तो होता है ना। हाँ,
आपके पास ठीक है, पार्ट थ्री क्या कर रहे हैं हम, एसिड ऑफ बेस। ठीक है, तो एसिड ऑफ बेस जब मिक्स करता है ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपको एक बात ये बहुत एक पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब 100% जेई एडवांस की मेंस में कुछ दो क्वेश्चन जरूर रहता है, मेंस में कुछ तरह का एडवांस 2-3 क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लिखना है, देखो व्हेनेवर एसिड एंड बेस आर मिक्स टुगेदर, और इसके को लिखना व्हेनेवर एसिड एंड बेस आर मिक्स टुगेदर, व्हेनेवर एसिड एंड बेस आर मिक्स टुगेदर, व्हेनेवर एसिड एंड बेस आर मिक्स टुगेदर, मतलब ऑलवेज राइट फर्स्ट, ऑलवेज राइट फर्स्ट रिएक्शन बिटवीन देम, ऑलवेज राइट फर्स्ट रिएक्शन बिटवीन देम। ठीक है, ये आपको हमेशा पहले ये बात याद रखनी है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रिएक्शन, बाकी सब चीजें आप बाद में देखो, केसेस वगैरह भी सब बाद में देखो, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इनके बीच के रिएक्शन लिखना। समझ में आई बात, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज में हो ठीक है, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे आपको लगेगा आएंगे आपको बहुत परफेक्ट तब देखना आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत पड़ेगा, आपको खुद देख के पहचान लोगे कि ये केसेस क्या है, बट इनिशियली क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप हमेशा रिएक्शन लिख के भी आप क्वेश्चन को प्रोसेस करो। वही बात समझ में, नॉट इम्पोर्टेंट करके लिखो, नॉट इम्पोर्टेंट क्या पहले सुन लो। देखो अब तक आपने जब एसिड और एसिड मिक्स किया था या बेस और बेस मिक्स किया था तो क्या चीजें कॉमन था, कॉमन लाइन था उनके बीच में, एसिड एसिड मिक्स करने पे क्या कॉमन लाइन मिलता था, एच प्लस बेस और बेस मिक्स करने पे क्या कॉमन लाइन मिलता था, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कभी कॉमन लाइन आ गया तो उनके बीच में कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए मेजर क्राइटेरिया क्या है, नो कॉमन लाइन, कॉमन लाइन नहीं होगा तभी वो रिएक्शन प्रोसेस होती है। नई बात समझ में सबको, ठीक है, इन जनरल व्हेनेवर इन आयनिक इक्विलिब्रियम, व्हेनेवर इन आयनिक इक्विलिब्रियम, इन जनरल व्हेनेवर इन आयनिक इक्विलिब्रियम, व्हेनेवर इन आयनिक इक्विलिब्रियम, same.
जब भी कोई एसिड और मिक्स इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक यूनिवर्सल मेथड में आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, बिफोर दैट, ठीक है, पहले मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बताता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड क्या है? बिफोर दैट एक यूनिवर्सल मेथड बताता हूँ मैं, जनरली बुक वगैरह में दिया नहीं रहता, किसी को भी मिलेगा नहीं, बट यूनिवर्सल मेथड ये होगा, यहाँ केस के अप्लाई होता है। ये केस मतलब एक्चुअली क्या होगा, ये चेक करने के लिए होगा कि आपके ये केस बनेगा क्या, इक्वल वाला केस है या अनइक्वल वाला केस। उसके लिए पहले आपको ये मेथड सीखना होगा, ठीक है। मेथड क्या है, सपोज करो मैंने कोई एसिड लिया, ठीक है, ये स्पेशल केस है, ठीक है, मतलब इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, बट बिफोर दैट हम एक चीज सीख रहे हैं यूनिवर्सल मेथड को, ठीक है। एसिड और बेस मुझे क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या देगा मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, सबको समझ में अच्छे से, ठीक है। लेट M1 मोलरिटी था, V1 क्या है इसका, वॉल्यूम। लेट M2 मोलरिटी, वॉल्यूम V2। तो ये M into V क्या दे जनरेट करता आपको, मिलीमोल्स। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला मोल्स बाय वॉल्यूम। M into V क्या देगा, मोल्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, मिलीमोल्स, मिली मोल्स ऑफ एसिड, जिसको मैं ए से डिनोट करूंगा। किसे डिनोट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ बेस, इसको मैं किसे डिनोट करूंगा, आई बात समझ में आया ना, सबको समझ में आया पॉइंट, ठीक है। अगर मैंने ऐसा माना कि देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, आपको हमेशा पहले क्या करना पड़ेगा, मिलीमोल्स को मिलीमोल्स निकाल लो, ऐसे लिखे मिलीमोल्स निकाल लो बेस के। अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो बी बड़ा होगा ए से, या तो ए और बी, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। अब समझो बात, अगर मैंने माना ए बड़ा है बी से, तो क्या होगा, बचेगा क्या आपके पास, ओवरऑल नेचर क्या होगा, एसिड नेचर। मानते उस बात को, इसका मतलब यह होगा कि H प्लस कितना बचा होगा आपके पास, A माइनस B बाय B1 प्लस B। ये पॉइंट समझ में आया, मैंने कैसे किया, ये पॉइंट समझ में आया। देखो मिलीमोल्स कितने थे आपके पास, लेट्स सपोज तो ऐसे के 10 थे मिलीमोल्स, अरे मोल्स, एक मोल्स होता है एक मिलीमोल्स, मिलीमोल्स होता है 10 पावर माइनस 3, मिली कब लगाते हैं, मिली मीटर, बराबर 10 पावर माइनस 3 मिलीमोल्स में डील करते हैं, तो अगर मान लो 10 मिलीमोल्स एसिड के हैं, 5 मिलीमोल्स बेस के, तो मिलीमोल्स कितने बचेंगे एसिड के, 5, 5 बचेगा। अब टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, V1, क्योंकि आपने मिक्स किया है, याद रखना अब कहीं वर्ड मिक्सिंग आ गया ना, तो वॉल्यूम हमारे साथ क्या होता है, ऐड होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ऐड होता है, तो वही V1 प्लस V2 नेट कंसंट्रेशन हो गया H+ का, OH- माइनस क्या होगा मेरे जल्दी बताओ, चेन रिएक्शन, नहीं नहीं ऐसे तो मतलब पर यहां पे क्या होगा, V1 V1 प्लस यही करेंगे ना, ये तो खत्म हो गया ना, तो ये तो खत्म हो गया, एक बार जा रहा था, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है, ऐसे कर बेस जहां मिलेंगे एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो बेस तो पूरा खत्म हो चुका मेरे यहाँ पे, और इस माने से निकाले पड़ेगा, तो भाई छोड़, 10 रेस टू माइनस 14 बाय। सेकंड केस अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर बी लेस देन ए होता है, तो नेचर क्या होगा, बेसिक OH माइनस क्या होता है, मतलब अच्छा सब बी ग्रेटर देन एस क्या होगा, बी माइनस ए बाय बी वन प्लस बी टू, और एस प्लस कैसे निकालेंगे हम, टेन एस टू माइनस 14 बाय OH माइनस, किसी को डाउट है। तीसरा केस, अगर ए अगर इक्वल टू बी हो गया, तो ये केस क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्या करना, जब
जब आपके पास कंटेनर में सिर्फ सॉल्ट और वाटर बच रहा है, ना एसिड है ना बेस, तो क्या हो रहा है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इस केस को? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यही पढ़ना है हमें, आई बात समझ में? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जब एसिड और बेस इक्वल होते हैं तो केस भी होता है, आई बात समझ सबको आया ना? सब बच्चे समझ में आया सबकी बात? किसी कोई डाउट है? ठीक है, तो ऐसे तो ये क्या डेफिनेशन लिखने की जरूरत है मुझे, चलो लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखना है? ये बैचलर मेरे साथ मिक्स है, फिर ऐसे एंड बेस आर मिक्स हो सकते हैं।
पॉइंट्स आपको समझ में आए, बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आए पक्का? आज लड़का टाइम हो गया था।
ये क्या देगा, बी ए प्लस एच टू ओ, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन क्या बन रहा है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है ना। फॉरवर्ड से अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखता हूँ ये क्या होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। बैकवर्ड से देखोगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट हैंडल्स ना, पानी इसमें जुड़ के ऐसे तो भेज देते हैं है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या मिल रहा है मेरा, शॉर्ट हैंडल्स, यही बात समझ में है ना। एक्सटेंड किसका ज्यादा होगा, फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, ये ऑलमोस्ट 99.9% रिएक्शन होता है, जो शॉर्ट हैंडल होता है ना बहुत कम होता है, आई बात समझ में। इसका मतलब ये याद रखना है, के बी एन इज इक्वल टू 1 बाय ए ऑफ एच, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। शॉर्ट हैंडल के लिए जब यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, आई बात समझ में, ठीक है। ये दिस बात तो बेसिक समझ में आ सबको, ये कौन सा तो समझना, तो के एबीएन बड़ा रहेगा या केएच बड़ा रहेगा, एक्सटेंड परसेंट ज्यादा है उसका, आई बात समझ सकते हो। ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं आपके पास, तो बेस कितने टाइप के होते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी कॉम्बिनेशन, चार ही केस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। समझ में आई बात, हर केस का हर टाइप का सॉल्व बनेगा। केस वन का बात करते हैं हम, केस वन है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को जो हमने मिक्स किया, ठीक है, समझ सकते हो। HCl मेरा क्या है, क्या दे रही आपको, प्लस इसका NaCl किस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या देगा, ये प्लस क्या Cl- माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है ये रिएक्शन का, क्या ये रिएक्शन का पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना, बस बता दो बाकी का कुछ नहीं। बाकी उस बात को तब मुझे लग रहा आपने ढंग से पढ़ा नहीं, क्रॉसिंग लॉजिक में पढ़ा है इसमें आपको, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए कौन से पता है क्या होता है, उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नहीं कर पाएंगे, सोचो
अगर नो यहाँ पे क्या है नो हाइड्रोलिसिस कुछ भी नहीं हो रहा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा ये न्यूट्रल का हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिख देता हूँ एनायन व्हिच डज नॉट हाइड्रोलाइज कौन कौन सा एनायन मिल जाता है बताओ अबे छह ही तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्या है बोलो एनायन सीएन माइनस SO4 2 minus very good. Br minus very good. I minus very good. ClO4 minus very good. पांच हुए तो? छह हो गया. हो गया. Thank you.
सारी ऐसी कोई जवाब नहीं है। इसमें इसे क्या कर रहा भाई, जब तुमको पता है छह नए हैं दोनों में से जब नहीं दिख रहे, इसका मतलब दोनों दोनों है ना, इसका मतलब क्या दोनों का है ना, ऐसे सोच रहा हूँ नहीं होगा होगा ठीक है यार। क्या लिखा है मैंने, does not have, इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, मराठी में जो मुझे समझ में आता है क्या ज्ञान तो नहीं है पढ़ाई में, तो मैं आपका सदस्य ज्ञान से
कहाँ सा आया, चलो तो ही सारा होगा, समझ में आया क्या होगा प्रोफाइल, उसका मेजर क्या होगा आप पहचान सकते हो, तो एक इधर देखो CH3COOH4 कौन सा हाइड्रोजन, पढ़ा था ना,
ठीक करता हूँ, लिख दिया होगा ना। Thank you.
0.2 आया, 1/5 आया, 1/5 से क्या लिख सकता हूँ, 0.2 क्यों जो जैसे तुम्हारे लिख सकता हूँ, बेहतर सिक्के में लिख कितनी आ जाएगी, बेसिक बोला था, बेसिक बोला था, बेसिक बोला था, बेसिक बोला था।
last 5,000, right? Maybe it's enough. ठीक है तो ये प्लस का फॉर्मूला क्या है मेरा सी एच एच और एच को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट सी के एच को क्या लिख सकता हूँ मैं तो क्या कर सकता हूँ मैं ये सी स्क्वायर चला जाएगा के एफ सी हो जाएगा के एफ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ के डब्ल्यू बार के बी इंटू सी ये पॉइंट समझ आ रहा है एक्स सब फॉर्म में क्या अंडर रूट के एफ सी के एफ सी क्या लिखा के डब्ल्यू बार के बी इंटू सी दोनों तरफ लॉग लिया तो ये दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ऑफ एक्स प्लस क्या देगा ये पावर वन बाई टू था तो वन बाई टू क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के बी प्लस लॉग ऑफ सी वही सी होगा माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या देगा मुझे बोलो क्या होगा पी एच पी एच वन बाई टू इंटू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू वेरी गुड माइनस छोड़ दो माइनस लॉग ऑफ के बी क्या देगा मुझे माइनस ऑफ पी के बी और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया लॉग सी तो ये आपका फॉर्मूला के डब्ल्यू माइनस कैसे 14 में से सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 1 बाय 2 7 7 7 से और सबट्रैक्ट करते जाएंगे तभी तो नेचर क्या हो जाएगा मेरा 7 से कम होना चाहिए ना इसे अप वैल्यू से अप अगर आपको फार्मूला चेक करना था वैसे अगर प्लस होगा तो ये वैल्यू 7 से ज्यादा होगा क्योंकि माइनस होगा तो इसकी वैल्यू 7 से दैट इज राइट इट्स मैथमेटिकली भी अब जितने भी हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ना केस सब में पहला जीएचआर दूसरा केएच केडब्ल्यू और इसका रिलेशन जो भी होगा उसका केएच रिलेशन और लास्ट का केएच रिलेशन ये मेन आपको फॉर्मूले याद रखने हैं ये फॉर्मूला ये हो ऐसा फिर ये इसी से ये डायरेक्ट इसलिए वो ना
का भी आपको यही करना है। कितना हो जाएगा? और का कंसंट्रेशन कितना? टोटल मोल्स 20,
टोटल वॉल्यूम कितना? 400, क्योंकि वॉल्यूम आपने ऐड किया ना, तो सी कितना हो जाएगा? समझ में आया सी कैसे निकाला जाता है? क्योंकि ये तो आपने मोल्स निकाले, वॉल्यूम भी तो ऐड करोगे ना, दो चीज को मिक्स किया है, तो टोटल वॉल्यूम 400 मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम में क्या होता है, कंसेप्ट से समझता है, 1/20, तो लॉग सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस लॉग 2, ये लॉग 2 फिर कितना, 4/5, आया समझ में?
ये क्यों रहता है?